बच्चों ने जयपुर के बारे में जाना। वर्गो सांस्कृतिक संस्था की ओर से, वर्गो संस्कृति संस्था की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अध्यक्ष जी रूपाली राव, सचिव रवि कश्यप के निर्देशन में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजीव नगर भट्टा बस्ती एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय हतरोई जयपुर में बच्चों ने जयपुर के बारे में जाना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 700 छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सूचना मंत्री सुनील जैन ने इन विद्यालयों में जाकर बच्चों से राजस्थान जयपुर पर्यटन स्थल वर्तमान घटनाओं संबंधित प्रश्न पूछे और उन्हें सही जवाब देने पर गोल्ड मेडल, मोमेंटो व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि सभी बच्चों को जीके में भाग लेना चाहिए और ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मनोबल बढ़ता है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इसमें आपका ज्ञान भी बढ़ता भी है और रुचि भी बढ़ती है, जिससे आपका ध्यान केंद्रित होता है। इस मौके पर महात्मा गांधी की राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजीव नगर भट्टा बस्ती प्रधानाचार्य श्याम सुंदर, जितेंद्र वीजा, अनिता कंवर, संतोष पारिक, लव शर्मा, अर्शद खान तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हथरोई जयपुर प्रधानाचार्य योगेश्वर दयाल शर्मा, उप प्रधानाचार्य चंद्रकला गुर्जर, वशिष्ठ व्याख्याता अंजू बाला स्वामी, सुमनलता सोना देवी, गुलाब देवी, कविता यादव, महेश कुमार इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा ऐसे कार्यक्रम होनी चाहिए तथा सब स्टाफ ने ऐसे कार्यक्रम कराने के लिए आह्वान किया है। अब जो स्कूल में जो आपके विद्यालय में जनरल नॉलेज कंपटीशन हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही रोचक और बहुत ही मतलब अच्छे बच्चों को ज्ञानवर्धक आपने जो प्रश्न पूछे, इससे बच्चों के जो जीके है जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान में वृद्धि हुई। और इसके बारे में और क्या आप संदेश देना चाहते हैं? आप मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस तरह के कंपटीशन विद्यालय में महीने में एक दो बार हो जाने चाहिए, ताकि बच्चों को एक तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा भी होती है, दूसरा बच्चों में नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा जीके के बारे में। आपका नाम है? अंजू बाला स्वामी। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में?